मूवी की शुरुआत में हमें एक छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है जो कि इस दुनिया में अभी अभी आया हुआ होता है। डॉक्टर उसे एक जगह से दूसरे जगह लेके जा रहे होते हैं क्योंकि ये बच्चा बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, बिना इम्यूनिटी के पैदा हुआ होता है। कोई भी इस बच्चे के पास जाने से पहले अपने आप को सैनिटाइज करता है। इस बच्चे का नाम होता है जिमी। जिमी की मॉम जिमी के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती है, इसीलिए वो किसी को अपने घर में नहीं आने देते क्योंकि किसी तरह से अगर जर्म्स उसके पास चले गए उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, उसे बड़ी से बड़ी बीमारी भी हो सकती। 4 सालों तक जिमी हॉस्पिटल में ही रहता है और उसे एक बबल के अंदर रखा जाता है। 4 सालों के बाद जब उसे घर लाया जाता है तब उसके बेड के ऊपर एक बहुत बड़ा बबल होता है। इस बबल के अंदर कोई भी जर्म्स कोई भी वायरस नहीं जा सकता है और उसी में 2 हाथ लगे हुए होते हैं। जिमी के माँ बाप उस ग्लव्स के अंदर हाथ को डाल के जिमी को छुआ करते थे। इनके पास एक मशीन भी होती है जिससे कोई भी चीज को जर्म्स फ्री किया जाता है, यानी कि सैनिटाइज किया जाता है। जिमी के बारे में आस पड़ोस के सारे बच्चे को पता रहता है, कोई भी उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं करता था बल्कि उसका मजाक उड़ाया जाता था। खिड़की से बाहर जब जिमी देखता है वहाँ पे 3 बच्चे होते हैं, इन्होंने अपने आप को प्लास्टिक कवर किया हुआ होता है। ये लोग जिमी का मजाक उड़ा रहे होते हैं। जिमी की जिंदगी 4 दीवारों के अंदर कैद हो चुकी है। इसी तरह से वक्त बीतता और जिमी अब 16 साल का हो चुका है। एक दिन जब वो खिड़की से बाहर देखता है वहाँ पे एक लड़की आए हुए होती जो कि इसकी पड़ोसी रहती है। इस लड़की का नाम जोई होता है। जिमी उसे देख के अट्रैक्ट हो जाता है लेकिन उसे प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। उसने अपने जिंदगी में अपने मॉम के अलावा और किसी लड़की को नहीं देखा होता लेकिन वो जोय के प्रति बहुत ज्यादा कॉन्शियस होता है। जब जिमी की मॉम को ये बात पता चलता है वो जिमी को समझाती कि इस दुनिया में प्यार अट्रैक्शन कुछ भी नहीं होता, सब बेकार की बात होती है। पर जिमी जब भी उस लड़की को देखता था उसे अच्छा लगता था और इसी तरह से कुछ और साल बीत जाते और जिमी हर रोज उस लड़की को अपनी खिड़की से देखता है। ग्लुई को भी पता होता है जिमी उसे खिड़की से देखता है, वो उसे पसंद करता है। जब भी वो जिमी की तरफ देखती तो जिमी अपनी नजरें घुमा लेता है। ग्लुई को भी पता है कि जिमी उसे पसंद करता है लेकिन वो उससे कभी बात नहीं कर सकती क्योंकि वो अपने घर से बाहर नहीं आता। और अब ग्लुई के जो दोस्त होते हैं जिमी का मजाक उड़ा रहे होते हैं, वो बोलते हैं कि जिमी हमेशा एक बबल में बंद रहता है। ग्लुई को अपने दोस्तों की बात अच्छी नहीं लगती है क्योंकि वो जिमी के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनना चाहते, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है और वो तय करती कि वो जिमी के घर जाएगी। वो जब जिमी के घर जाती उसे अंदर इनवाइट किया जाता है। वो देख सीढ़ियों में एक बहुत बड़ा पाइप लगा हुआ होता है जिसके अंदर एयर फ्लो हो रही है। जब ऊपर कमरे में जाते वहाँ पे जिमी होता है। जिमी उसे देख के बहुत हैरान हो जाता है, वो उसने अपने पूरी जिंदगी में इतने पास से कोई लड़की को नहीं देखा था। और वो अब जिमी से कहता है कि मुझे तुम्हारा गिटार बहुत पसंद है, जिसके बाद जिमी अपना से गिटार देता है। उसके बबल के बाहर जो हैंड ग्लव्स होता है वो अपना हाथ डाल के वो उसे गिटार बजाना सिखाता है। उसके बाद क्लोई यहाँ पे हर रोज आना शुरू कर देती, इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। जिमी की मॉम को ये पसंद नहीं होता पर वो जिमी अब बड़ा हो चुका है इसलिए जिमी की मॉम उसे मना नहीं कर सकती है। इनकी दोस्ती जैसे जैसे बढ़ रही होती है जिमी की जिंदगी में खुशियाँ आ रही होती है। क्रिसमस के दिन आ जाते हैं। जिमी के पहली बार एहसास होता है कि क्रिसमस की पार्टी क्या होती है। अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। एक रात को क्लोई ड्रिंक कर लेती और वो जिमी से कहती कि मैं अंदर आना चाहती हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। जिमी उसे अंदर आने नहीं देती जिस बात से उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ चली जाती है। और उसे समझ आ जाता है कि जिमी और उसकी जिंदगी अलग है, ये दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते, इसलिए वो एक लड़के से एंगेजमेंट कर लेती है। वो जिमी के पास जाती है, उसे अपनी एंगेजमेंट रिंग दिखाती है। हालांकि जिमी को बहुत ज्यादा दुख होता है लेकिन वो अपना दुख अपने चेहरे पे नहीं आने देता है। बहुत जल्दी क्लोई की अब शादी होने वाली होती है। जिमी को उसने एक गिफ्ट भी दिया हुआ होता है जो कि जिमी की तरह ही एक बबल में बंद होता है, लेकिन जिमी उसका गिफ्ट को वापस कर देता है। क्लोई ने उसे एक और गिफ्ट दिया हुआ होता है। उसके जाने के बाद वो गिफ्ट खोलता है जिसके अंदर लिखा हुआ होता है आई लव यू, जिसे देख के उसे बहुत ज्यादा खुशी होता है। दरअसल वो ये जानता था कि ग्लोई उसे पसंद करती है लेकिन ग्लोई ने पहली बार उसे आई लव यू कहा होता है। वो तय करता है कि वो किसी भी कीमत पे इस बबल से वो बाहर निकलेगा और नियाग्रा फॉल जाएगा जहाँ पे क्लोई की शादी होने वाली होती है। उसकी शादी रोक के वो अपने प्यार को हासिल करेगा। इसके बाद वो अपने
टनल एक ऐसा बबल बनाता है जिसे वो लेकर कहीं भी जा सकता। वो अब नियाग्रा फॉल के लिए जाने के लिए निकल जाता। वो बस की टिकट लेने के लिए काउंटर पे जाता, लेकिन वो पैसे अपने घर पे ही भूल जाता। अब वो जब सड़क पे आता है तभी उसे एक बस हिट कर देती है, पर वो अपने बबल की वजह से वो बच जाता है। उस बस से कुछ लोग नीचे उतरते हैं और वो लोग कहते हैं कि हम तुम्हें लिफ्ट देंगे। यहाँ पे जिमी को पता चलता है ये सब के सब कुछ ये धार्मिक लोग है जो कि किसी धर्म स्थल पे जा रहे होते हैं। लेकिन जिमी को धर्म के बारे में कुछ नहीं पता होता है क्योंकि उसकी मॉम ने इस बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया होता। वो इसीलिए उन लोगों से अजीब अजीब सवाल पूछ रहे होते हैं जिससे उनकी धार्मिक आस्था ठेस पहुंचता है और वो जिमी को बस से बाहर से फेंक देते। उसके बाद यहाँ पे एक आदमी आता है जो कि बाइक पे होता है जिसका नाम सिम होता है। जिमी अपनी जिंदगी के बारे में और अपने प्यार के बारे में बताता है जिसके बाद वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो भी जिमी को अपने एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है, उसके आगे के सफर पे ले जाता है। वहीं पे हमें उस धार्मिक ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि उस जगह पे पहुंच गए होते जो यहाँ पे नहीं जाना होता, जहाँ पे धार्मिक गुरु है। वो सबको पत्थर के ऊपर एक चित्र दिखाते जिसके ऊपर चारों तरफ से एक शील्ड होता है, जिस तरह से जिमी के चारों तरफ सुरक्षा बलून होता है। वो बताता है कि ये कोई आम इंसान नहीं, ईश्वर ने इस दुनिया में भेजा, इसे इंसानों की मदद की जरूरत है। वहीं पे जिमी को दिखाया जाता है कि अपने दो सिम के साथ वो वेगस पहुंच जाता है जहाँ पे कैसीनो में जाते हैं। ये वहाँ पे बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। जिमी को ये सब बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसने लाइफ में इस तरह से कभी एंजॉय नहीं किया होता है, पर उसे अब यहाँ से जाना होगा क्योंकि दो दिन बाद जोई की शादी होती है। इसलिए वो एक स्कूटर लेके वो यहाँ से निकल जाता है। तभी उसे रास्ते में उसके पेरेंट्स दिख जाते हैं जो कि उसे ढूंढ रहे होते हैं। जिमी उनके गाड़ी से टकरा जाता है और बलून के अंदर वो उछलते हुए एक ट्रेन के अंदर चला जाता है, जहाँ पे ट्रेन के अंदर बहुत अजीब लोग होते हैं और वो लोग बताते हैं जो कि हमारा मास्टर जो कि बॉस है उसने हमें पकड़ के रखा है और हमसे शो करवाता है। और जिमी को अब उसके पास ले जाया जाता जो कि एक छोटा बोना होता है। जिमी गलती से उस बोने को नीचे गिरा देता है और उस बोने ने यहाँ पे जितने लोगों को कैद किया हुआ होता है वो सबको आजाद करवा देता है। उसके बाद जिमी नियाग्रा फॉल निकल जाता है, लेकिन उसे रास्ते के बारे में कुछ नहीं पता होता है। वो एक रेस्टोरेंट के अंदर जाता है जहाँ पे एक इंडियन आदमी बैठा हुआ होता है। उसके पहनावे के वजह से उसे सब लोग परेशान कर रहे होते। जिमी भी वहाँ जाता है और वो बताता है मेरे अंदर इम्यूनिटी नहीं है। ये सुन के सब वो वहाँ से भाग जाते है। सबको लगता है ये बीमार है, ये बबल के अंदर कोई ना कोई वायरस है, अगर बबल फट गया यहाँ पे सब लोग वायरस से इफेक्टिव हो जाएंगे। चारों तरफ भगदड़ मच जाती जिसके वजह से यहाँ पे आग लग जाती है। जिमी अंदर वहाँ पे फंस जाता है, तभी वहाँ पे वो इंडियन आदमी हीरो की तरह उसे बचा लेते हैं और इसका नाम पुष्पक होता है। इसके पास एक ट्रक होता है, ये उस ट्रक में जिमी को बैठा नियाग्रा फॉल लेके निकल जाता है। लेकिन एक बार फिर से जिमी की किस्मत साथ नहीं देती। पुष्पक का ट्रक जो होता है एक गाय से टकरा जाते है जिसके वजह से उसकी मृत्यु हो जाता है, जिसके वजह से पुष्पक को बहुत दुख होता है क्योंकि गाय उसके लिए पूजनीय है। पर वो जब ये बात बताता है कि उसके बातें उसे समझ नहीं आते, वो उसकी बातों की यकीन नहीं करता। इस बात से पुष्पक को गुस्सा आता और उसे इस जगह से जाने कहता है। और अब जिमी को किसी तरह से नियाग्रा फॉल पहुंचना होता है। वो पैदल चलते चलते एक टाउन पहुंच जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ से सिम को दिखाया जाता है जो कि अपने बहुत सारे बाइकर के साथ पुष्पक के पास पहुंच जाता है। उसे पता चलता है कि यहां से जिमी अकेला ही पैदल निकला है। ये सब के सब पुष्पक के ट्रक को लेके निकल जाते हैं। वहीं पे जिमी को दिखाया जाता है वो टाउन में एक क्लब के अंदर चला जाता है जहाँ पे दो लड़के आपस में रेसलिंग करने की तैयारी कर रही होती है। जब वो जिमी बबल के अंदर देखती है तो वो उसके बबल को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जिमी किसी तरह से यहाँ से भाग जाता है, पर वो यहाँ से टाउन को छोड़ता यहाँ पे वही धार्मिक गुरु वापस आ जाता है जहाँ पे इनके गुरु ने बताया था कि वो आदमी जिसके तरफ चारों तरफ सर्कल वो ईश्वर का बंदा है और इंसानों को उसकी मदद करनी चाहिए। वो जिमी को अपने साथ ले जा रहे होते तभी वहाँ पे सिल्म भी अपने साथियों के साथ यहाँ पे पहुँच जाते। यहाँ पे इन दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है और इस मौके का फायदा उठा के जिमी इस झगड़े से बाहर निकल जाता है। यहाँ पे इसे एक बूढ़े आदमी मिलता है जिनके पास एक गाड़ी होती है, वो उनसे लिफ्ट मांगता है। अब यहाँ पे रात में जिमी सो जाता है और जब वो सुबह उसकी आंखें खुलती है वो देखता है कि बूढ़े आदमी इस दुनिया में नहीं रहे। तभी उसकी गाड़ी एक खंभे से टकरा जाती है। तब वो बबल से उछलते हुए एक स्टोर में पहुंच जाता है। तभी वहाँ पे एक फोन देखता है, वो तभी वहाँ पे क्लोए को फोन करता है, लेकिन फोन उसका फियांसे उठाता है। उसे पता चलता है कि जिमी यहाँ पे के फियांसे के लिए यानी कि क्लोए के लिए उसे मिलने के लिए आ रहा होता है। वो उसे उल्टा सीधा कहता बहुत सुनाता है और वो कहता है तुम मुझे क्लोए को मुझसे नहीं छीन सकते, एक घंटे में हमारी शादी होने वाली है। और अब जिमी पूरी तरह से हताश हो जाता है। वो अपने मॉम डैड को कॉल करता है।
होता है। वो और उसके मॉम डैड उसे लेने आ जाते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा उदास होता है। उसे अपने गाड़ी में बैठाते हैं और जब उसकी मॉम कुछ देर के लिए बाहर जाती है, तब उसके डैड कहते हैं कि जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। वो अपने पिता के बातों से बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाता है। वो एक बार फिर से क्लोई से मिलने के लिए यहाँ से निकल जाता है। अब जिमी के पीछे उसकी मॉम, वो धार्मिक गुरु और साथ ही साथ स्लिम का पूरा ग्रुप उसका पीछा कर रहा होता है। जिमी को पकड़ने के चक्कर में जिमी की मॉम जो होती है वो स्लिम के ट्रक के सामने आ जाती है। स्लिम उन्हें देख के वो हैरान हो जाता है, क्योंकि ये वही लड़के जो कि वो कभी उससे प्यार किया हुआ, जिसके बारे में जिमी को उसने बताया होता है। ये सब के सब एरोप्लेन के रनवे पे होते हैं। तभी यहाँ पे एक प्राइवेट प्लेन आ रहा होता है जिसे एक बूढ़ा आदमी चला रहा होता है, और ये बूढ़ा आदमी उसी बूढ़े आदमी का जुड़वा भाई है जिसने जिमी को अपने गाड़ी पे लिफ्ट दिया होता है। बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। ये आदमी उसे नाइग्रा फॉल ले जाता है। जिमी उस चर्च के तरफ भागता है जहाँ पे क्लोई शादी करने वाले होते हैं। इससे पहले शादी की रस्में पूरे होते हैं, वहाँ पे जिमी पहुँच जाता है। वो क्लोई की आवाज लगाता है। क्लोई उसे देख के उसे बहुत ज्यादा खुश होती है। वो उसके पास वापस आ जाती है। जिमी किसी भी कीमत में इसे अपनाना चाहते है। वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और वो इसके बाद अपने बबल को फाड़ के बाहर आ जाता है, और इसके अगले पल ही वो बेहोश हो जाता है। यहाँ पे सब लोग डर जाते हैं। जिमी की मॉम डैड भी यहाँ पे पहुँच जाते हैं। जिमी की ऐसी हालत देख के जिमी की मॉम की आंखों पे आंसू आ जाते हैं, और तब जिमी के डैड कहते हैं अब सबको सच बताने का वक्त आ गया। और इसके बाद बताया जाता है जिमी को कोई भी बीमारी नहीं थी, उसका इम्यून पावर दूसरे की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जिमी की मॉम ने दुनिया की बुराई के बचाने के लिए उसे झूठ कहा था, उसे जिंदगी भर बबल के अंदर रखा, हालांकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। अब जिमी भी होश में आ जाता है, जिसके बाद वो अपने मॉम को माफ कर देता है। कुछ दिनों के बाद जिमी और क्लोई की शादी हो जाती है, और इनकी शादी में हर कोई वो इंसान आया हुआ होता है जो कि जिमी की सफर में मिला हुआ होता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। मैं मिलता हूँ इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।